देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बहुत महत्वपूर्ण केस माननीय न्यायालय में चल रहा है और जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई की जा रही है। लेकिन विशेष रूप से आज हम एक प्रार्थना पत्र लेकर आए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, और हमारा उद्देश्य था कि जो शाही ईदगाह परिषद है, जो 13.37 एकड़ ज़मीन है, वो भगवान कृष्ण की है, कृष्ण लला की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, और इसको सिविल जज के द्वारा 1928 में केस नंबर 517 में ये डिसाइड भी कर दिया गया कि ये भूमि भगवान कृष्ण की है, हिंदुओं की। लेकिन अब वहाँ पर मुस्लिम पक्षकार, मुस्लिम प्रतिवादी गण वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, जो कि गलत है। पहले वहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, अपना पजेसा दिखाने के लिए, जानबूझ करके शांति सौहार्द को बिगाड़ने के लिए वहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है, तो ये गलत है। आज हम इसी को लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय आज नहीं मिल पाए हैं, तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है। और कुरान की आयतों के अनुसार भी विवादित भूमि पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो हम इसी को लेकर के आज यहाँ हमने कहा है कि वहाँ पर नमाज जो पढ़ी जाती है उसे तुरंत रुकवाया जाए, और जो जिस तरह से जो परंपरा रही है वही परंपरा कायम रहनी चाहिए, नई परंपरा कोई नहीं डलनी चाहिए।